हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे और टेंशन फ्री होंगे। जैसा कि हर एक नए नए टॉपिक आता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे टॉप 5 वीकेंड फिश के बारे में, कि एक्वेरियम फिशेज जो 5 टाइप के प्रजाति होते हैं, 5 एक्वेरियम फिशेज जो है बहुत वीक होते हैं, इनको केयर करना बहुत मुश्किल होता है। और प्रॉपर केयर करने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें हम उनको देते हैं, जैसा कि टेम्परेचर, पानी की क्वालिटी, सब कुछ देते हैं, तब भी क्या है, फिशेज जो है बहुत जल्दी मर जाती है। इनके लाइफ भी बहुत कम होती है, बहुत कम दिन तक ही जीते हैं और बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 फिशेज जो बहुत, जैसा कहेंगे बैड फिशेज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको रखते हैं, अच्छा केयर करते हैं, इनको अलग अलग टाइप्स के फूड भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी इनको जो है इनको फिशेज़ को बहुत ज़्यादा तक नहीं रख पाते। हालांकि जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो भी उनकी प्रॉपर केयर करने के बावजूद भी बहुत जल्दी फिशेज़ जो है मर जाती हैं इन फिशेज़ का, क्योंकि इन फिशेज़ का जो है इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक होता है। इन 5 फिशेज़ में सबसे पहले जो हम बात करेंगे फैंसी गप्पीज़ के बारे में। फैंसी गप्पीज जो है बहुत कॉमन फिशेज़ है, बहुत सारे जगह पर ये फिशेज़ जो है बहुत अलग अलग वेराइटीज़ में, कलर्स में पाई जाती हैं, और बहुत डिमांड से भी इन फिशेज़ को सेल किया था। कभी कभी 700 रुपये, 1000 रुपये तक भी अलग अलग वेराइटी की फ़िशेज़ जो है गप्पीस पाई जाती है। मैं फैंसी गप्पीस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल गप्पीस की नहीं, क्योंकि हालांकि नॉर्मल गप्पीस आप रखते हैं तो बहुत अच्छे से और सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन जो फैंसी गप्पीस होती है उसको क्या करते हैं, अलग अलग प्रजाति के साथ, अलग अलग फ़िशेज़ के साथ जो उनको ब्रीड करते हैं, कभी कभी उनका DNA जो है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि अलग अलग ज़ात के साथ इनको क्रॉस ब्रीडिंग करने की वजह से इनका DNA जो है बहुत वीक होता है। इसलिए हालांकि अच्छा केयर करने के बावजूद भी ये फिशेज़ जो है बहुत जल्दी मर जाती हैं। अगर बात करें तो नॉर्मल गप्पीज़ जो है बहुत अच्छे से जी लेती हैं, अगर वही बात करें तो नॉर्मल गप्पीज़ जो है अच्छे तरीके से जी लेती हैं, इनको प्रॉपर केयर करें तो। और दूसरा है टैटो फिश, जो टैटू लगाते हैं। मैं टैटो फिश की बात करूँ तो हर 4 टाइप की फिशेज़ होती है, जैसा कि ऑस्कर फिश भी हो सकती है, पैरोट फिशेस, या इस तरह के बहुत सारे फिशेज़ जो है उनको टैटो किया जाता है, उनको डिज़ाइन किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, इंजेक्ट करके उनको टैटो डिज़ाइन करते हैं, जो बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। देखने के लिए बहुत लुक दिखता है, बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसको लाकर टैंक के अंदर रखने से खूबसूरती बढ़ जाएगी, और इस तरह के लाकर रखते हैं, लेकिन वो बहुत सारे ऑलरेडी पेन में रहते हैं, उनको बहुत दर्द रहता है, स्ट्रेस हुए होते हैं लाकर रखने के बाद। थोड़े दिन बाद ही फिशेज जो है मर जाती है, ज़्यादा दिन तक ये नहीं जीते क्योंकि स्ट्रेस होने की वजह से। और तीसरे नंबर पर है डिस्कस फिश। हाँ, डिस्कस फिश बहुत मशहूर फिश है, इसको किंग ऑफ एक्वेरियम भी कहा जाता है। बहुत कॉस्टली भी होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल भी होती हैं, और अलग यूनिक होती हैं। बहुत सारे लोग इसको सक्सेसफुली जो है लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते, क्योंकि इनका pH लेवल और अल्कलिनिटी, नाइट्रेट, इस तरह बहुत सारी चीज़ों का देखना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसा कि सॉफ्ट स्टेबल होना ज़रूरी है, वार्म वाटर भी होना बहुत ज़रूरी है, और pH लेवल के अंदर थोड़ा भी आगे पीछे हो जाए तो फिशेज जो है बहुत जल्दी सीक हो जाती है, बहुत जल्दी इनको स्विम ब्लैडर भी डिसीज लग जाता है, और थोड़ा पानी का ज़्यादा चेंजेस हो जाए तो भी फिशेज जो है सीक हो जाती हैं। हालांकि फिशेज में ये नहीं कह रहा कि बहुत बैड फिशेज है, लेकिन अच्छी फिशेज है, लेकिन इनको अच्छी फिशेज है, लेकिन इनको सक्सेसफुली बहुत कम ही लोग इनको रखते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी फिशेज ये मर जाती हैं, इसलिए इन वीक फिशेज में इनको ऐड किया गया है। और चौथा जो है ग्लास फिश। ग्लास फिश जो है बहुत लोग मशहूर है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये अनकॉमन फिश भी है, और इनकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट होती है, गिलास की तरह होती है। हम इनकी बॉडी के अंदर से इनके अंदर जो हड्डी होती है उसको भी देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी फिशेस मर भी जाते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते, क्योंकि पानी के लिए बहुत सेंसिटिव, नाजुक होती हैं, जैसा कि डिस्कस फिश होती हैं, ये भी पानी के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। पानी के अंदर थोड़ा भी आगे पीछे कुछ हो जाए तो ये फिशेज़ बहुत जल्दी मर जाती हैं, और इनकी बॉडी भी जो है बहुत जल्दी ज़ख्मी हो जाती हैं, इंजर हो जाती हैं, तो ये भी वीक फिशेज़ हैं। और पांचवा और आखिरी बात करेंगे बबल आई गोल्ड फिश। बबल आई गोल्ड फिश के बारे में, हालांकि गोल्ड फिश जो है बहुत हार्डी होती हैं, बहुत कम टेम्परेचर में भी रह जाती हैं, बहुत लॉन्गेस्ट लाइफ फिशेज होती हैं, लेकिन बबल साई गोल्ड फिश जो है बहुत वीक होती हैं, क्योंकि इनकी आँखें जो है ऊपर होती हैं बबल्स होने की वजह से, इनकी वो नीचे के हिस्से देख नहीं सकते, कभी कभी ये फूड को भी देख नहीं सकते, सिर्फ उसको स्मेल करके फूड को खाते हैं, क्योंकि इनकी आंखें कभी भी ऊपर होती हैं, नीचे की तरफ नहीं होते, और इनके जो बबल्स होते हैं कभी कभी शार्पी डेकोरेशन को या शार्पी जो ग्रेवल को लगकर फूट जाता है, जब फूट जाने के बाद ये टूट जाता है, उसके बाद ये सर्वाइव नहीं कर जाते, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम भी, DNA भी बहुत वीक होता है, ये फिशेज बहुत जल्दी मर जाती हैं, और सिक भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, इसलिए बेहतर इन फिशेज़ को अवॉइड करें, ये इसलिए वीक होती हैं।
तो ये पांच फिशेस थे, जो पांच वैरायटी के जाति के फिशेस हैं, जो बहुत वीक होते हैं, इनको केयर करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छी तरह का केयर करने के बावजूद भी फिशेस जो है बहुत जल्दी मर जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ हर नए नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इसी वीडियो के साथ चलते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।